Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ यादव एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। मैं वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं। आज से हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन तथा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित जो विभिन्न विषय हैं जो विभिन्न जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत अपने पहले लेक्चर से कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे साझा करेंगे सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं तथा उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या परिभाषा है या हम किस प्रकार उसके अर्थ को समझ सकते हैं उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स तथा उसके लेवल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो अब हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अर्थात संगठनात्मक व्यवहार का परिचय तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग संगठन किसे कहते हैं उसके पश्चात हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ को समझेंगे तो संगठन सामान्य भाषा में यदि हम किसी से बात करें या पूछें कि संगठन किसे कहते हैं तो वो आपसे कहेगा कि जब दो लोग एक साथ मिलते हैं तो हम लोग उसे संगठन कह सकते हैं। लेकिन क्या एक संगठन के लिए यह परिभाषा उपयुक्त है? या हम कह सकते हैं क्या यह परिभाषा पर्याप्त है नहीं जब हम संगठन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ दो लोगों का मिलना ही उसे परिभाषित नहीं करता है उसकी और बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बाद ही हम लोग उसे एक संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं हाँ यह अवश्य सत्य है कि एक संगठन के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो यह संगठन की जो एक पहली सीढ़ी है या एक पहली विशेषता है उसे पूर्ण करते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि संगठन की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि संगठन में हम लोग दो या दो से अधिक जब व्यक्ति एक साथ मिलते हैं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे संगठन की परिभाषा का पहला चरण है तो यहां आप देखेंगे कि यहां लिखा गया है दो या दो से अधिक व्यक्ति या जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो कर्मचारी साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं लेकिन इसके बाद जो एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है संरचित विधि अर्थात वो जो कार्य करें वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करें उनके कार्य करने की एक निश्चित या संभाव किसी भी तरीके से संभाव निश्चित प्रणाली हो उनके कार्य करने का एक तरीका हो और वो उस तरीके के अनुसार अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हों इसके बाद जो नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है संगठन को समझने के लिए वह है साझा उद्देश्य अर्थात कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव यह वह कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे संगठन को प्रभाषित करने में हमारी बहुत हेल्प करती है यदि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अपना अपना अलग अलग कार्य कर रहे हों उनका आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो या हम कहें कि उनके पास कोई आपस में मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ना हो तो उस परिस्थिति में हम यह नहीं कहेंगे कि यह एक संगठन है तो अब यदि हम बहुत ही सामान्य शब्दों में संगठन को प्रभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक निश्चित प्रणाली के तहत किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो हम कह पाते हैं कि यह एक संगठन है लेकिन अभी तक हम लोगों ने संगठन को बहुत ही इनफॉर्मल वे में प्रभाषित किया है अभी भी संगठन को प्रभाषित करने के लिए जो और विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग यह चर्चा जारी रखेंगे संगठन जैसे अस्पताल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या आप कहते हैं कि इस संगठन में नमकीन बनती है बिस्किट बनते हैं कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर होती है या आप कहते हैं बैंकिंग तो ये सभी के सभी उस एक संगठन के उदाहरण हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक निश्चित प्रणाली के तहत अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए कार्य करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशंस को समझने के लिए रॉबिन्स ब्राउन हेक्स, रिचर्ड एलिन की द्वारा दी गई परिभाषाएं या इनके द्वारा लिखे गए शब्द हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं अब हम लोग और उन डेफिनेशंस की करेक्टरिस्टिक्स को एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखते हैं कि संगठन के लिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है सचेत रूप से समन्वित सामाजिक इकाई अर्थात जब हम लोग किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो हम लोग कॉन्शियसली एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में एक सोशल आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं अर्थात यदि हम अनकॉन्शियसली या बिना जाने या बिना किसी एक सोशल आइडेंटिटी या सोशल प्लेटफॉर्म के साथ मिलके कार्य करते हैं और किसी एक ऑब्जेक्टिव को जो कॉमन ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में हम लोग मान भी पाते हैं तो उसका अर्थ नहीं है कि यह है एक संगठन है संगठन के लिए हम लोग कॉन्शियसली एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में एक यूनिट को इस्टेब्लिश करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है संगठन की वह है फ्लेक्सिबल लेकिन संभाव रिलेटिवली उसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं अर्थात यदि हम कहें कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग एक सीमा एक बाउंड्री निर्धारित कर पाते हैं लेकिन यह अर्थ नहीं है कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये फिक्स हैं इन बाउंड्रीज़ में हम कभी भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं हम उन बाउंड्रीज़ को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं वो फ्लेक्सिबल हैं लेकिन जब हम लोग एक संगठन को बनाते हैं तो उसकी कुछ रिलेटिवली निश्चित बाउंड्रीज़ निर्धारित करते हैं जो हमें बताता है कि इस एरिया में या इस वर्क स्पेस में यह संगठन यह ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का अर्थ है कि जो लोग संगठन में कार्य कर रहे हैं उनके कार्य की एक विशेषता है और वो उस कार्य को करने में स्पेशलाइज्ड हैं अर्थात यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कोई कार्य दिया गया है तो वो कार्य मुझे मेरे किसी एक स्पेशलाइजेशन मेरी एक एबिलिटी या मेरी एक कार्य क्षमता के अनुसार मुझे दिया गया होगा और मैं अपनी उस एबिलिटी को यूज़ करते हुए अपने उस दिए गए कार्य को पूरा करता हूँ तो संगठन में जो कर्मचारी कार्य करते हैं या जो कार्य होता है वह एक विशेष रूप से निर्धारित होता है और उसको पूरा करने के लिए हमें जिन एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है हम लोग पहले उसे निर्धारित करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है इंटरेक्शन एवं इंटरपर्सनल रिलेशंस अर्थात जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को इनिशिएट किया था तो कहा था दो या दो से अधिक लोग मिलकर कार्य करते हैं जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कार्य करेंगे तो उनका कार्य व्यक्तिगत नहीं होगा अब वो कैसा कार्य होगा सामूहिक अर्थात उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं अन्य जो कर्मचारी हैं जो मेरे सहयोगी हैं उनके साथ इंटरेक्ट करूंगा, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करूंगा, और उसी परिस्थिति में मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस कार्य को पूर्ण कर पाऊंगा। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यदि यह विचार रखूं कि मैं बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करूँगा उनके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम लोग साथ मिलकर अपने उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाएँ या उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है हैरारकी और डिवीजन ऑफ लेबर हिंदी में पद और श्रम का विभाजन जब भी आप किसी से बात करते हैं पूछते हैं कि आप क्या कार्य करते हैं तो उस कार्य के साथ साथ वह आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो पोजीशन है उसका जो पद है उसके बारे में भी आपको जानकारी देता है जैसे यदि आप किसी व्यक्ति से पूछें कि आप कहाँ कार्य करते हैं तो हो सकता है वो आपको उत्तर दे कि मैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता हूँ या मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो यह भी बताएगा कि मैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एस आई हूँ या कॉन्स्टेबल हूँ या किसी और पोजिशन पर हूँ यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई पढ़ाता है तो उसके साथ वह आपको ये भी बताएगा कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कार्य करते हैं वो कार्य के साथ साथ एक स्पेसिफिक की या पोजीशन को भी ओन करते हैं यह ओन करने का अर्थ है कि वो चाहे एक समय सीमा के लिए ही सही लेकिन उस पोजीशन पर कार्य करते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार उनकी इस हरारकी में चेंजेस हो सकते हैं हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनका प्रमोशन हो जाए और वो हैरारकी में और ऊपर चले जाएं। यहाँ यह भी संभावना है कि शायद किसी कारणवश हो सकता है उनका प्रमोशन ना हो वो उसी पद पर कार्य करें या एक यह भी संभावना है कि वो उससे जो नीचे वाला पद है उस पर भी किसी कारणवश स्थापित कर दिए जाएं। उसके बाद जो सेकेंड है वह है डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर का अर्थ है कि यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी एक कार्य को पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए हम यह निश्चित करेंगे कि उस कार्य के जो सब सेक्शंस हैं या जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए यदि मुझे टीचर्स की आवश्यकता है क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो यहाँ पर मैं एक डिवीजन क्रिएट करूँगा यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए हो सकता है मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की ज़रूरत हो जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो वो पूरे किए जाएँ उसके साथ साथ हो सकता है क्लर्कल पोस्ट की मुझे ज़रूरत हो यहाँ इसका अर्थ है कि हमें जो कार्य पूरा करना है उस कार्य के स्वरूप के अनुसार हम लोग उस कार्य को डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि हमें उस पूरे कार्य को आसानी से पूरा करने में मदद मिले और हम लोग कम गलतियां करते हुए आसानी से अपने उस कार्य को पूर्ण कर सकें उसके बाद है बाह्य वातावरण से संबंध बाह्य वातावरण से संबंध का अर्थ है कि यदि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वह एक विधिन कंस्ट्रक्ट नहीं है विधिन कंस्ट्रक्ट मतलब सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो हो रहा है उससे उस ऑर्गेनाइजेशन उस की इफ़ेक्टिवनेस या फंक्शनिंग पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है वह ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो सोसाइटी है जो कस्टमर्स हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी प्रभावित होती है और उस संगठन के उस संपूर्ण स्वरूप में उनका भी योगदान रहता है अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आउटर जो एनवायरनमेंट है अपने जो सोशल एनवायरनमेंट है जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो स्टैब्लिश हुई है उसके साथ उसका परस्पर इंटरेक्शन और संबंध बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन उस सोसाइटी को और वो सोसाइटी उस ऑर्गेनाइजेशन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं अब ग्रुप जैसा हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो इसका अर्थ हुआ वो एक समूह में सामूहिक रूप से उस कार्य को पूरा कर रहे हैं अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप है और जो ग्रुप में व्यक्तियों का व्यवहार है यह है एक एसेंशियल एलिमेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो बाय डेफिनेशन से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत ना होकर जो सामूहिक संबंध है जो सामूहिक व्यवहार है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थात बिना समूह के हम ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना नहीं कर पाएंगे अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है रूल्स एवं रेगुलेशन जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि वो लोग सबसे पहले कुछ निर्धारित करते हैं कि हम लोग इस तरह का व्यवहार इस ग्रुप में करेंगे और इस तरह का व्यवहार हम लोग इस ग्रुप में नहीं करेंगे जब लोग आप जब कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से भी किसी व्यक्ति के साथ मिलता है उसके साथ जुड़ता है तो वो लोग मिलकर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स का निर्धारण करते हैं कि हमारे इस ग्रुप में इस तरह का जो बिहेवियर है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और यदि आप इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको आपके व्यवहार को इस ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भी रूल्स एंड रेगुलेशन का यही अर्थ है कि जब आप किसी संगठन का पार्ट बनते हैं उससे कार्य करते हैं उस का उसके कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं जो नियम हैं जो अधिनियम हैं जो कार्य करने की प्रणाली है जिस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में आप व्यवहार कर सकते हैं दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके लिए जो निर्धारित नियम्स हैं वो आपको मानने और पूरा करने होते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो उसका अर्थ है इस अभी तक के इस व्याख्यान में निश्चित किया या समझने का प्रयास किया अब हम लोग एक डेफिनेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं यह परिभाषा एलिन ने दी है तो यदि हम इस परिभाषा को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कस किया है जिन करेक्टर स्टिक्स के बारे में प्रणाली के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उसी तरह की विशेषताएं प्रणाली इस डेफिनेशन में दी गई हैं जैसा ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए प्रोसेस अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य होता है वो एक प्रोसेस में होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में होता है आइडेंटिफाइंग ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म इसका अर्थ है या समूह हम कार्य को पहले पहचानते हैं और उसको एक ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करते हैं जैसा हम लोगों ने अभी उदाहरण के रूप में देखा था कि यदि हमें एक यूनिवर्सिटी एज ए ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो हम लोग पहले यह निर्धारित करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस संगठन में हमें क्या क्या कार्य करने हैं और उसके आधार पर हम लोग जो एक जैसे कार्य गए जिनकी रेस्पांसबिलटीज़ एक जैसी है जिनकी एबिलिटीज़ एक जैसी हो स्पेशलाइजेशन एक जैसा हो उसे ग्रुप करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर की तरह परिभाषित उसके बाद हम लोग जिम्मेदारी और अधिकार सौंपना इसका अर्थ है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करते हैं उसके कार्यों का निर्धारण करते हैं तो कौन किस जिम्मेदारी को पूरा करेगा और किस व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आएंगे कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उस पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग यह निर्धारित करते हैं और इस उद्देश्य के लिए संबंध स्थापित करते हैं संबंध स्थापित अर्थात हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि हम लोग मिलकर कार्य कर सकें और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें एकम्प्लिश कर सकें तो आपने देखा कि हम लोगों ने जो पहली कुछ दो स्लाइड्स में ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट डिफ़रेंट करेक्टर के बारे में डिस्कशन किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने जो परिभाषा दी है उसमें इस तरह की ही विशेषताएं हैं और उन्होंने इन्हीं विशेषताओं को इस्तेमाल यूज करते हुए संगठन को परिभाष परिभाषित किया है यह संभव है कि किसी एक डेफिनेशन में वो सारी करेक्टरिस्टिक्स ना हों क्योंकि हमने वो बहुत सारी डेफिनेशन से लेकर उन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया संगठन के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने के बाद अब हम लोग आगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अर्थात संगठन का व्यवहार संगठनात्मक व्यवहार के किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यवहार है वो निर्धारित होता है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस के माध्यम से ये समझेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसे कहते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो डेफिनेशन ली है वो है डेविस की डेफिनेशन डेविस ने कहा संगठनात्मक संगणात्म, व्यवहार का संबंध संगठनों में मानव व्यवहार की समझ उसकी भविष्यवाणी और नियंत्रण से है अर्थात अगर हम इसे आसान शब्दों में या इजिएस्ट वे में कहें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अर्थ है कि ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति के व्यवहार को समझना उसके बारे में भविष्यवाणी करना और किसी तरीके से या कुछ हद तक उस व्यवहार पर नियंत्रण रखना तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब कोई भी कर्मचारी उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार का व्यवहार करेगा उसके बारे में जानकारी एकत्र करना उस जानकारी का उपयोग करके यह जानने का प्रयास करना कि ये आगे भविष्य में किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है तथा यदि आवश्यकता हो तो उसके व्यवहार पर कुछ हद तक कंट्रोल या नियंत्रण को पाना अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रसाद द्वारा दी गई वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी अर्थात ये भी हमें अध्ययन के बारे में अपनी इस परिभाषा में परिभाषित कर रहे हैं एंड एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर अगेन ये लोग भी किसके बारे में बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू अदर एलिमेंट्स और जो अदर एलिमेंट्स हैं अन्य तत्व हैं किसके ऑर्गेनाइजेशन के और उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में कहा स्ट्रक्चर अर्थात उस संगठन की संरचना टेक्नोलॉजी अर्थात उस संगठन में जो कार्य पूर्ण किया जाता है उसके लिए जो उपयोग में आने वाली तकनीक है जो मशीनरी है तथा सोशल सिस्टम सोशल सिस्टम का यहाँ पर फिर से एक बार अर्थ है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कार्य करते हैं तो वो एक ग्रुप एक सोशल सिस्टम को डेवलप करते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो इनकी डेफिनेशन में भी अगर हम ध्यान से देखें तो मानव के व्यवहार मतलब व्यक्तियों के व्यवहार को ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में चाहे वह स्ट्रक्चर के रूप में हो चाहे वो टेक्निक के रूप में हो चाहे वो सोशल सिस्टम के रूप में हो उसको समझने का प्रयास किया गया है आगे अब हम लोग रॉबिन्स की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं रॉबिंस ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को परिभाषित करते हुए कहा यह एक ऐसा अध्ययन का क्षेत्र है अर्थात फील्ड ऑफ स्टडी है जो क्या जानने का प्रयास करता है दैट इन्वेस्टिगेट अर्थात क्या जानने का प्रयास करता है इम्पैक्ट इंडिविजुअल ग्रुप्स स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति समूह और ऑर्गेनाइजेशन की जो संरचना है उसका विद इन ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर किसके पर्पज के लिए अप्लाइंग सच नॉलेज टू वर्ड्स इम्प्रूविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस अर्थात ये सारी जानकारी हम लोग क्यों एकत्र कर रहे हैं क्यों जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग इस नॉलेज को इस ज्ञान को इस्तेमाल कर सकें किसके लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस अर्थात हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में व्यक्ति ग्रुप्स स्ट्रक्चर या अन्य जिन भी विषयों के बारे में चर्चा करते हैं ज्ञान एकत्र करते हैं उनका एक उद्देश्य है उद्देश्य यह है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर सके हम उस तरह का ज्ञान इकट्ठा करें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है हम उसे प्रॉपर वे में रन कर सकें और उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें इम्प्लाई कर सकें अब हम लोग एक नेक्स्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं इस परिभाषा में कहा गया संगठनात्मक व्यवहार प्रबंधीय गतिविधियों इस परिभाषा में हम लोग देखते हैं कि जो मैनेजरल टेक्निक्स हैं या जो मैनेजमेंट प्रबंधन की प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया है एक ऐसा विषय है सब्जेक्ट है जो प्रबंधन संगठनात्मक वातावरण में व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार को समझने उसे जानने उसके बारे में भविष्यवाणी करने एवं उसको इन्फ्लुएंस प्रभावित करने से संबंध रखता है अगर आप देखेंगे तो इन सभी डेफिनेशंस में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं या आप कह सकते हैं समरूपता है तो आप पाएंगे कि सभी डेफिनेशंस व्यक्ति के व्यवहार को समझने का जानने का उसके बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास करती हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन के कि व्यक्ति संगठन में किस प्रकार व्यवहार करता है ग्रुप में किस प्रकार व्यवहार करता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी ग्रुप रूल्स रेगुलेशन हरार की इनका व्यक्ति के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है ताकि हम लोग इस पूरी जानकारी के माध्यम से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सक्सेसफुली अचीव कर सकें तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन तथा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ को समझने का प्रयास किया जाना कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसे कहते हैं अब हम लोग आगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स का योगदान है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि जो बहुत सारे विषय हैं उन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक फील्ड एक स्टडी के रूप में एक क्षेत्र के रूप में विकसित होने में योगदान किया उसमें हम लोग सबसे पहले मनोविज्ञान विषय के बारे में चर्चा करेंगे जानेंगे कि मनोविज्ञान ने एक सब्जेक्ट के रूप में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डेवलप होने में किस प्रकार मदद की और मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो विषय वस्तु है उसे समझने में हमारी मदद करता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोविज्ञान की एक शाखा है समाज मनोविज्ञान समाज मनोविज्ञान में हम लोग व्यक्ति का जो व्यवहार समाज में वो किस प्रकार से व्यवहार करता है उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोगों ने जब उसे परिभाषित किया था तो सोशल सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था अर्थात जो सोशल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो सोशल सिस्टम है उसे समझने में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में और उसके बारे में प्रडिक्शन करने में हेल्प करते हैं उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हम लोग एक्सपेरिमेंट रिसर्च के बारे में चर्चा करते हैं आप आगे के लेक्चर्स में ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो हम लोग जानकारी एकत्र करते हैं उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते हैं तो किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को हम लोग एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की अन्य मेथडोलॉजी के माध्यम से समझ सकते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमें इसमें हमारी हेल्प करती है अधिगम लर्निंग साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम लोग लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति के चयन का अर्थ यह नहीं है कि अब वो ऑर्गेनाइजेशन में नई चीज़ों को नहीं सीखेगा अब उसे जितना आता है उतना ही पर्याप्त है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो उस समय साइकोलॉजी का लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रेनिंग या लर्निंग के कॉन्सेप्ट से उसे आगे प्रोग्रेस करने में मदद कर सकते हैं उसके बाद व्यक्तित्व मनोविज्ञान पर्सनैलिटी साइकोलॉजी व्यक्ति का जो व्यवहार है वह उसकी पर्सनैलिटी से बहुत हद तक निर्धारित होता है चाहे वह हम लोग किसी ग्रुप में करें चाहे हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें चाहे हम लोग उसे किसी समाज में करें हमारे व्यवहार को समझने के लिए बाकी एलिमेंट्स के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी हमें एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी को समझने तथा उस पर्सनैलिटी के माध्यम से वह एम्प्लॉय आगे किस प्रकार उस ऑर्गेनाइजेशन में व्यवहार कर सकता है इसकी भविष्यवाणी करने में हमारी हेल्प करता है इमोशन्स संवेग इमोशंस का हमारी ऑर्गेनाइजेशन्स में एक महत्वपूर्ण अंग है या आप कहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर कार्य करते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारे इमोशनल एक्सपीरियंसिस का आदान प्रदान होता है हम लोग जब कोई कार्य करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं और ये इमोशंस हमारी कार्य कुशलता और कार्य करने के तरीकों को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं तो यहाँ पर इमोशंस का कॉन्सेप्ट हमें इमोशंस को समझने इमोशंस को कंट्रोल करने इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है तो यहाँ हम लोग इमोशंस के माध्यम से अपने ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाली फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बाद परसेप्शन हमारा व्यवहार हम किस प्रकार से चीज़ों को परसीव करते हैं उससे भी निर्धारित होता है तो परसेप्शन का कॉन्सेप्ट हमें ऑर्गेनाइजेशंस में अटेंशन परसेप्शन सेंसेशन और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उन्हें समझने में मदद करता है उसके बाद लीडरशिप नेतृत्व जब हम लोग किसी भी समाज ग्रुप की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि चाहे हम इनफॉर्मली या फॉर्मली कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से एक लीडर डेवलप हो जाता है बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और जब उन्हें कोई डिसीज़न लेना होता है या ये जानना होता है कि इस कार्य को किस प्रकार करें या जब उन्हें कोई परेशानी होती है तो उस लीडर के पास जाते हैं और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लीडर हमारे अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है उसे मॉनिटर करने की क्षमता रखता है उसे मैनिपुलेट करने की क्षमता रखता है और उसे गाइड करने की भी क्षमता रखता है उसके बाद प्रशिक्षण का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग में ट्रेनिंग को डिज़ाइन करने में और ट्रेनिंग के जो डिफ़रेंट डिफरेंट आउटकम्स हैं उन्हें समझने में हमारी मदद करता है उसके बाद सेलेक्शन साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण उपयोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में किया जाता है एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के समय कि एम्प्लॉयज़ के अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो उसे जो ऑर्गेनाइजेशन में कार्य दिया जाने वाला है उससे मैच करती हैं या नहीं करती हैं उस एम्प्लॉय का या उस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है एप्टीट्यूड कैसा है उसके अंदर किस किस तरह की और स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़फुल हैं या उसके लिए हार्म कर सकती हैं ये सभी हम लोग मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान के द्वारा एम्प्लॉय के सेलेक्शन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं उसके बाद तनाव हम लोग आजकल के समय में बहुत ज़्यादा तनाव के बारे में डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ या स्ट्रेस की वजह से मेरी परफॉर्मेंस कम हो गई या अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो साइकोलॉजी में एज ए कॉन्सेप्ट जो हम स्ट्रेस की थेरीज पढ़ते हैं स्ट्रेस को समझते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल करने की जो हमारे पास संभावनाएं हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स को समझते हैं उसका उपयोग हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस को समझने कंट्रोल करने और उसके मैनेजमेंट को जो प्रोग्राम उसके मैनेजमेंट के लिए जो हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसमें साइकोलॉजी हमारी मदद करती है उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन किसी भी व्यक्ति का जो एक उद्देश्य है जीवन का उद्देश्य है वह है संतोष प्राप्त करना खुश रहना तो ऑर्ग साइकोलॉजी में जब हम लोग कार्य संतोष के बारे में पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके द्वारा हम लोग कर्मचारियों का जो जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं ये सब हमें मनोविज्ञान एज ए सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मदद करता है मनोविज्ञान के बाद जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है वह है समाजशास्त्र समाजशास्त्र हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने और उसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत मदद करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक समाज है दो नहीं दो से बहुत ज़्यादा लोग जब मिलते हैं तो उस एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के साथ साथ वो एक सोशल सिस्टम रिलेशनशिप का सिस्टम और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का सिस्टम भी डेवलप करते हैं तो समाजशास्त्र हमें यहाँ पर समाज में जो व्यवस्थाएँ हैं उन्हें किस प्रकार से आप डेवलप कर सकते हैं उन किस प्रकार से उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं यह समझने में हमें मदद करता है इसके साथ साथ समाजशास्त्र हमें जो सोशल रोल्स हैं इसी प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल रोल्स हैं वो किस प्रकार से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं समाजशास्त्र यह हमें यह समझने में मदद करता है उसके अतिरिक्त यह हमें ग्रुप डायनेमिक्स जब आप देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ कार्य करते हैं तो उसके ग्रुप की कुछ एक इंटरनल डायनेमिक्स भी होती है कुछ लोगों को कुछ लोगों के साथ कार्य करना बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के साथ काम नहीं कर पाते हैं तो जब भी हम एक ग्रुप डेवलप करते हैं तो ग्रुप में एक, एक अंत है इंटरनल एक इंटरेक्शन होता है एक डायनामिक्स डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन में ये डायनामिक्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसे इन्फ्लुएंस करती है तो यहाँ पर समाजशास्त्र हमें उस ऑर्गेनाइजेशन डायनमिक्स को समझने में मदद करता है इसी के साथ साथ यह हमें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी समझने में मदद करता है जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है तो वो अपने साथ साथ एक कल्चर भी डेवलप करती है और ये कल्चर्स उसके नॉर्म्स हैं नॉर्म्स किस तरह के हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह के व्यवहार को वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है किस तरह के व्यवहार को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है यह सभी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के पार्ट हैं तो समाज शास्त्र हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरीके से डेवलप होता है किस तरीके से यदि आवश्यकता है तो हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं यह सब्जेक्ट हमें यहाँ पर मदद करता है इसके साथ साथ यह हमें पावर एंड पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट को भी ऑर्गेनाइजेशंस में समझने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन में पावर एंड पॉलिटिक्स का अर्थ है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई हरारकी पर पोजीशन देते हैं या दो ग्रुप आपस में मिलकर जब कोई कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि उनके बीच में कुछ पावर का गेम या पावर को लेकर एक खींचतान होती है लोग कहते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स करके मेरा जो कार्य मैंने किया था उसका रिकॉग्निशन अपने आप रख लिया या मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया या इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें समाजशास्त्र मदद करता है क्योंकि पावर एंड पॉलिटिक्स का ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और इफ़ेक्टिवनेस पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट आप यदि न्यूज़पेपर देखें या न्यूज़ देखें तो कई बार आप लोग ऐसे उदाहरण पाएंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कई बार यह कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉइज़ के बीच में होता है कई बार यह कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉयर्स के साथ होता है मैनेजर्स के साथ होता है सुपरवाइजर्स के साथ होता है तो यहाँ पर समाजशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो क्यों और किन परिस्थिति में हमारे सामने आते हैं और हम किस प्रकार से उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं या उन कॉन्फ्लिक्ट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं तो समाजशास्त्र इसके अतिरिक्त हमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ह्यूमन इंटरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन इंटरेक्शन के जो प्रभाव हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ते हैं हमारे कर्मचारियों के व्यवहार पे पड़ते हैं उनके एटीट्यूड पर पढ़ते हैं हमारे समूह पर पड़ते हैं यह सभी समाजशास्त्र हमें समझने में मदद करता है समाजशास्त्र के अतिरिक्त भी और डिसिप्लिन हैं जो हमारी मदद करते हैं जैसे कि राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब एक ऑर्गेनाइजेशंस में डिफ़रेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं या कोई एक बड़ा ग्रुप बनता है तो वहाँ पर पावर हैरार पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के जो परिस्थितियां हैं उनके होने की संभावना होती है तो राजनीति विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स है या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स अगर ज़्यादा हो रही है तो उसके क्या कारण हैं किस प्रकार जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो क्यों बार बार हो रहे हैं और उन्हें हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस हमें इस तरीके की हेल्प करती है उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस हमें यह भी जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है कि किस प्रकार से हम लोग ग्रुप्स के या इंडिविजुअल के बिहेवियर को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स या पावर या हरार की का यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली रन करने के लिए कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट को अर्न करना इस प्रॉफ़िट को अर्न करने के लिए वो जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट इकोनॉमिकल फंक्शंस हैं जो इकोनॉमिक्स uh, से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है जैसे यदि हमारे पास हमारे कंज्यूमर के बारे में जानकारी है कि वो किस प्रकार से परचेज़ करता है और वो कौन कौन से डिटर्मिनेट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो उसके कंज्यूमरज्म या कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने में मदद मिलती है तो इकोनॉमिक्स हमें कंज्यूमर को समझने में और उसके साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रही है उसमें जो कॉस्ट हमारी लग रही है उसे हम किस प्रकार से मैनेज करें और किस प्रकार से अपने कॉस्ट को मिनिमम करते हुए अपना मैक्सिमम बेनिफिशियरी प्रोडक्ट तैयार कर सके प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा हो लेकिन जो उसकी कॉस्ट है उसको हम लोग कम से कम कर पाए इसके लिए भी इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है उसके अलावा हमें इकोनॉमिक्स हमारे प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में और उसके डिज़ाइनिंग करने में भी जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है हमें हेल्प करते हैं इसके अतिरिक्त जो इकोनॉमिक्स है हमें वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अर्थात जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके प्लानिंग करने में कि किस प्रकार उनका वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किस प्रकार उनकी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किस प्रकार के प्रमोशंस या सैलरी में इंक्रीमेंट उन्हें दिया जाए इकोनॉमिक्स हमें इस तरह के फंक्शंस को समझने में मदद करती है अब उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी हमें हेल्प करती है यह समझने में कि जो क्रॉस कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं या जो क्रॉस कल्चरल फंक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस प्रकार से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस और उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं यह हमें एंथ्रोपोलॉजी समझने में मदद करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग काम करते हैं आप देखेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कल्चर्स के लोग आते हैं कार्य करते हैं तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी हमें क्रॉस कल्चरल समझने में क्रॉस कल्चरल्स के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें समझने में हमारी हेल्प करती है इसके साथ साथ यह हमें ह्यूमन इंट्रैक्शन को समझने में भी, भी मदद करती है और जो हमारा कंपेरेटिव वैल्यू सिस्टम है उसको समझने में भी हमारी हेल्प करती है तो अभी हम लोगों ने संगठन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की परिभाषा को समझा और उन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश करने में उस अपना योगदान देते हैं या उन्होंने अपना योगदान दिया अब हम लोग जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वह इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आज जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं जो उसकी रूपरेखा है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा जैसे जैसे मशीन्स बढ़ी जैसे जैसे और इंडस्ट्रीज़ में साइंस का उपयोग बढ़ा जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई उसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सब्जेक्ट मटेरियल है जो विषय वस्तु है वो चेंज होती रही इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ बस यही समझ लेना पर्याप्त है कि जो आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसका ओरिजिन इंडस्ट्राइजेशन में ही निहित है अब हम लोग समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या मुख्य विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को किसके परिपेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं संगठन के परिपेक्ष्य में इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है यह व्यवहारिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है व्यवहारिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है कि यहाँ पर हम लोग विज्ञान को और व्यवहार को और अर्थात ह्यूमन बिहेवियर को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर हम लोग प्योर साइंस या प्योर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को उपयोग ना करके हमारे जो व्यवहारिक विज्ञान है उसके कैंस को यूज़ करते हैं डिस्कस करते हैं और आगे अपने उस ज्ञान का उपयोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं उसके अतिरिक्त सिस्टमेटिक अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टडी है या स्टडी मटेरियल है या जो उसकी विषय वस्तु है वो सिस्टमैटिक है जैसे विज्ञान में भी जिस प्रकार से हम लोग अध्ययन करते हैं उसकी एक महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक है सिस्टमैटिक होना यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी जो हम लोग स्टडीज़ करते हैं वो सिस्टमैटिक होती हैं जो हमारा ज्ञान है वो सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव और सिस्टमैटिक मेथड्स के द्वारा ही अर्जित किया जाता है जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डेवलप करने में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का योगदान है अर्थात यह मल्टीडिसिप्लिनरी है, है उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर्मचारियों की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट कारक हैं चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर्स हैं चाहे वो ग्रुप लेवल के फैक्टर्स हैं चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है होलिस्टिक अप्रोच यह होलिस्टिक अप्रोच का अर्थ है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य कर रहे हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस ना करके हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं यदि हम इंडिविजुअली भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जो मेन पर्सपेक्टिव है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर संगठन की जो इफेक्टिवनेस है और जो उसकी फंक्शनिंग है उस पर जो उससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं या हम किस प्रकार अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की इफेक्टिवनेस को उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन या अध्ययन करते हैं अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन एलिमेंट्स हैं या अवयव हैं वो कौन कौन से हैं और उसके बारे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे किस स्तर पर या किन लेवल्स पर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक फर्स्ट एलिमेंट है वह है व्यक्ति व्यक्ति क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है व्यक्ति के द्वारा कर्मचारी के द्वारा तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बेसिक एलिमेंट है बेसिक अवयव है जिसके बिना हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं वह है व्यक्ति क्योंकि यदि व्यक्ति ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का परिपेक्ष्य या ऑर्गेनाइजेशन के होने की संभावना नहीं होगी उसके बाद है संरचना संरचना का अर्थ है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कार्य करते हैं उन लोगों का अपना एक इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर की जो प्रणाली है या उस स्ट्रक्चर की जो बाउंड्रीज हैं उन्हीं के आधार पर वो व्यक्ति जो कर्मचारी है उसे जो रोल्स जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में दी गई हैं उन्हें वो कंप्लीट करता है तो यहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर है यह है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है व्यक्ति का उस ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है जो बिहेवियर है वो किस तरह का होगा यह संरचना ऑर्गेनाइजेशन की जो है या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसे निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसके बाद है टेक्निक तकनीक यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम अपने आसपास बहुत सारी तकनीक बहुत सारी मशीनरी से घिरे हुए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में तो यह और ज़्यादा है क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य या जो जॉब जो रेस्पॉन्सिबिलटीज़ हमें दी गई हैं उन्हें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट डिफरेंट तकनीक के द्वारा पूरा करते हैं तो मशीन के साथ जब हम लोग व्यवहार करते हैं अर्थात इंटरेक्ट करते हैं तो मशीन का जो डिज़ाइन है मशीन की जो टेक्निक है मशीन को जो यूज़ करने की स्किल्स हैं वो और व्यक्ति का जो इमोशंस हैं व्यक्ति का जो परसेप्शन है या व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो इंटरेक्ट करते हैं और व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इन दोनों के इंटरेक्शन पर ही डिपेंड करता है ये दोनों मिलकर हमारे कर्मचारी का जो व्यवहार है उसे डिटरमाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वह है टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन को यदि आगे बढ़ना है और डेवलप करना है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो उसमें भी जो साइंस है जो टेक्निक हैं जो न्यू डेवलपमेंट हैं उनके बारे में जानकारी और आ, उनके बारे में न्यू एडॉन्स करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिना उसके तकनीक या बिना उसके साइंस या मशीनरी के जानना या उसकी कल्पना करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके बाद है वातावरण जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक किसी जगह पर होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग कार्य कर रहे होंगे तो जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो वो लोग अपना एक इंटरपर्सनल एक एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं उसके साथ साथ एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉमनली हम लोग सोशल एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और फिज़िकल एनवायरनमेंट ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक महत्वपूर्ण अवयव हैं इन्हीं से मिलकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है या हम कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उस स्टडी को किन तीन लेवल्स पर करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला लेवल है वो है व्यक्तिगत या व्यक्तित्व या इंडिविजुअल स्तर क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक व्यक्ति है वो सबसे पहले एक सेल्फ है एक व्यक्ति है उसके बाद वो दो या और अन्य लोगों के साथ मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसे रोल्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं उसे फुलफिल करता है तो यदि हमें ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति के व्यवहार को समझना है तो सबसे पहले व्यक्ति को एज ए व्यक्ति एज ए इंडिविजुअल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज ए व्यक्तिगत रूप से मेरा व्यवहार किस तरह का है यह जानने के बाद मैं यह प्रडिक्शन या यह एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस व्यक्ति का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का व्यवहार हो सकता है या यह किस प्रकार से मेरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित कर सकता है उसके बाद जो सेकंड लेवल है वह है ग्रुप लेवल ग्रुप लेवल का यहाँ अर्थ है जब हमारा व्यवहार इंडिविजुअल लेवल पर एक अलग तरह का होता है लेकिन जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कुछ बदल जाता है तो हम यहाँ ये यह कह सकते हैं कि जो ग्रुप का जो बिहेवियर है उसे समझने के लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप लेवल पर स्टडी करते हैं जहाँ पर हम लोग व्यक्ति के व्यवहार को उस समूह के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो ग्रुप है ये किस प्रकार से डेवलप हो सकता है या इस ग्रुप में जो जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका व्यवहार किस प्रकार का है और नेक्स्ट जो लेवल है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में हम लोग सभी जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स हैं उन्हें कंपाइल करके या जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स के जो इश्यूज हैं जैसे नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ इस तरह के जो लेवल्स हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और इसके साथ साथ ये जाना कि जो डिफ़रेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजनल बिहेवियर में और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एलिमेंट्स और लेवल के बारे में डिस्कशन किया आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आगे के लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आज हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो धन्यवाद